जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम आलोचना करेंगे कि अस्थमा या श्वास रोग हम कैसे आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। श्वास रोगरु आम किपरि मुक्ति लाभ करिबा, आम पाखरे जो साधन अछि ताकु व्यवहार करी तेबे शुणिबा। चलिए तो पहले सुनते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, कौन आम खाइबा ना श्वास रोग हेले। बैंगन, खट्टा पदार्थ और महिषी का दूध और आमिष, आमिष यानी नॉनवेज, दही, चल्हा, नाली, रेड चिल्ली पाउडर और तेल में तैयार किया गया खाने का चीज, जैसे कि भाजी हो या छना हुआ जो भी हो, और नया चावल का भात बोले आम ये सब जिनस खाइबा ना, बैगन खाइबा ना, आमिष जिनस खाइबा ना, खट्टा खाइबा ना, राग खाइबा ना, महिष दूध खाइबा ना, दही खाइबा ना, चल्हा खाइबा ना, तेल या जेकोसी जिनस खाइबा ना, नुआ चावल भात खाइबा नहीं। तो चलिए फिर सुनते हैं कि क्या खाना चाहिए, कौन खाइबा उचित। पुराना चावल का भात और सब्जी में पोटल और गहम यानी आटा, पुराना देसी गाय का घी और छेली का दूध। तबे कौन खाइबा, पुराना चावल भात, पोटल, गहम अटा, पुराना देसी गाय घी एवं छेली क्षीर आदि श्वास रोग पथ्य रूपे आम यहाँ ग्रहण करिबा। तो चलिए हम सुनते हैं कि मेडिसिन हम क्या खाए। मेडिसिन मतलब हमारे पास जो सामान्यतम चीज उपलब्ध है, जैसे पुराना गन्ने का गुड़, ठीक है, कितना, आधा तोला, और उसके साथ सरसों का तेल आधा तोला, ठीक है, पुराना आखू गुड़ आधा तोला सहित सोरिष तेल आधा तोला। कब खाना है, सुबह में, कैसे, खाली पेट में, कितना दिन, 21 दिन। तो सकाले खाली पेट रे 21 दिन यहाँ खाइबा। तो हर रोज 2 से 4 बूंद इसका मात्रा बढ़ाना है, यानी जो हम लेते हैं कि गुड़ और तेल, इसका 2 से 4 बूंद मात्रा बढ़ाने, किसका, तेल का। तो आज 2 बूंद पकाया तो कल 4 बूंद और परसों 6 बूंद, जो हम सह्य कर सके अपना वयस के अनुपात और सह्य शक्ति के अनुपात। तो सरसों का तेल तो क्या होता है कि तीखा होता है, तो प्रत्येक दिन हमें सरसों तेल जो मात्रा बढ़ी पारा 2 बिंदु या 3 बिंदु 4 बिंदु प्रत्येक दिन बढ़ी पारा आम जदि सही पार, ठीक है। तो ये था पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या करना है कि हर रोज खाली पेट में साफ किरासिन का तेल, किरासिन जिसको हम फ्यूल के रूप से यूज करते हैं, साफ किरासिन 10 टोपा, 10 ड्रॉप 2 15 ड्रॉप, ठीक है, खाली पेट में खाना है कुछ दिन, श्वास अच्छा होने तक, ठीक है। तो सफा किरासिन तेल 10 टोपारू 15 टोपा निज वयस अनुपात रे प्रत्येक दिन खाली पेट रे खाइबा, केते दिन, श्वास रोग भल हेबा पर्यंत, ठीक अछि, ठीक है। तो तीसरा नंबर पर चलते हैं, ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा हम और क्या कर सकते हैं श्वास को अच्छा करने के लिए, जो काला गांजा है, काक अंग्रेजी में इसको काक बोलते हैं, काला गांजा का मल सुखा कर रखना है
तो कला कुकुड़ा बा गंजार मूल को सुखाई की रखा हर रोज एक 25 पैसा के वजन का जैसा उस मल को सूखा हुआ मल को ठंडे पानी में हर रोज कुछ कुछ दिन तक खाना है। कुछ दिन तक मतलब श्वास अच्छा होने तक। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, काला गांजा का सूखा हुआ मल कितना 25 पैसा का वजन जैसा, ठीक है, हर रोज पानी में घुलकर नहीं, पहले पार्टी में पका देना है और उसके बाद पानी पी देना है, ठंडा पानी एक ग्लास पीना है और एक घंटे तक कुछ खाना नहीं है। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है वो तो आप लोग को मालूम होगा कि सुबह खाली पेट में खाते हैं और एक घंटा तक और कुछ नहीं खाते। ठीक है, तो ये था तीसरा नंबर। और चौथा, एक सिगरेट आप व्यवहार कर सकते हैं, सिगरेट आप व्यवहार कर पारे श्वास सिगरेट दुकान में बिक्री होने आप निजे तैयारी कर क्या करेंगे, धूप नहीं छाव में सूखा हुआ वाशंग का पत्र, वाशंग लंबा लंबा पत्र आता है, वाशंग का पत्र और काला दुदरा का पत्र, तो प्रपर्शन है, वाशंग का पत्र 4 और काला दुदरा का पत्र 1, 4:1, 4:1 के मात्रा में उसे छोटा छोटा कर देना है चीर कर, और उसमें सिगार जैसा धुआं पीना है, तो उसको कागज़ में लेना है, कागज़ में लेकर उसको पीना है सिगार जैसा। तो आमें कौन करीबा ना सुखा जाइथिबा छाइरे सुखा जाइथिबा बासंग पत्र एवं दुदुरा पत्र, तो परिमाण होची केते बासंग पत्र 4 हेले दुदुरा पत्र गोटे, तो ये परिमाण बा बासंग पत्र 2 हेले एतरु अधे, ए परिमाण रे आमे ताको टिक टिक करी चिरी देबा हाथ रे, चिरी देकरी ताको कागज रे पुरे कि ताको मोड़ी देकरी सिगरेट भळिया टाणीबा। ठीक है, तो ये था उपाय। तो एक उपाय करना यानी हर उपाय नहीं करना है आपको, जितना उपाय बताया गया है उसमें आपके पसंद के एक ही उपाय करना है। ठीक है, अगर अच्छा हुआ आप लोगों का इससे भला हुआ, जो स्वास्थ्य रोगी है उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, हमें खुशी मिलेगी कि आप इसमें सफल हुए। तो और एक चीज़ क्या करना है, स्वास्थ्य रोगियों को ध्यान देना है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट आदि कुछ व्यवहार करते हैं तो उसको छोड़ना है। बीड़ी सिगरेट गंजे इत्यादि जो टाणु से हमें ताको परित्याग करने पड़ो। ठीक है, और क्या करना है, अगर हम गर्मी में हैं तो हठात और सडन कोई ठंडी जगह पर नहीं जाना है। ठीक है, सर्दी में है तो हठात गर्मी जगह पर, और गर्मी में है तो हठात सर्दी जगह पर नहीं जाना है। और क्या करना है, कुछ गर्म चीज़ खाने के बाद ठंडी चीज़ नहीं खाना है, और ठंडी चीज़ खाने के बाद गर्म चीज़ नहीं खाना है, जो ऑपोजिट है। गर्म जिनस खाई कि हठात ठंडा जिनस खाइबा नहीं, ठंडा जगार अच्छे गरम जगह हठात जीवा ना, गरम जगार अच्छे ठंडा जगह हठात जीवा ना, एथप्रति ध्यान देवा। तो दोस्तों, अगर ये इसमें से कोई कुछ आपको लगता है कि सफल होने में कामयाब हो गए, और आपके जाने पहचान में अगर कोई ऐसे रोगी हैं जो श्वास में पीड़ित हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। जय जगन्नाथ।